जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 3 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन बुक से चला रहे हैं, जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और इसका यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिस डेट जो है 4 है। ठीक, चलिए यहाँ से जो पहला इसमें हम लोग का जो प्रश्न है आपको 1 से लेकर 15 तक, तो ये हिंदी का, फिर 15 जो है आपका अंग्रेजी का, और फिर 15 आपको मैथ का, और जो 55 बचा प्रश्न ये आपको GK JS के प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको हिंदी का प्रश्न शुरू हो रहा है। ठीक, चलिए हम यहाँ से पहला जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि परिवार को ऋण मुक्त करने के लिए विष्णु भट्ट कहाँ गए। तो परिवार को ऋण मुक्त करने के लिए जो विष्णु भट्ट गए थे वो उत्तर भारत चले गए थे। राइट आंसर बी होगा, उत्तर भारत। चलिए दूसरा जो प्रश्न है कि कृष्ण कुमार का जन्म हुआ था, तो कृष्ण कुमार का जो जन्म हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था। तीसरा प्रश्न है कि प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई, तो प्रेमचंद जी की जो मृत्यु हुई यह आपको 1936 ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेणु जी का जन्म हुआ था, तो रेणु जी का जन्म जो है 1921 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया किसने कहा था। यह कथन किसने कहा था कि दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया, तो यह कहा गया था राम वृक्ष बोनीपुरी के द्वारा, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला जी, अरे यावर रहेगा याद किस विद्या की रचना है, तो यह जो है यात्रा वृत्तांत की रचना है, राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट जो 7वां प्रश्न हम लोग का है कि पद्मा सचदेव का जन्म हुआ, तो पद्मा सचदेव का जो जन्म हुआ वो जम्मू एंड कश्मीर में, राइट आंसर जम्मू कश्मीर। ठीक, अगला प्रश्न है कि अयज्ञ ने किन कविताओं को अनुदित किया था, तो अयज्ञ के द्वारा जो अनुदित किया गया कविता है वह जापानी हाइकू, यहाँ पर एक जापानी हाइकू जो कविता है इन्हीं का जो है अनुदित किया गया था अयज्ञ के द्वारा, राइट आंसर ए होगा। चलिए 9वां नंबर जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से है कि मित्रता के लेखक, यहाँ पर मित्रता एक पाठ है, इस पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो 10वां प्रश्न है कि वे दिन वे लोग के उपन्यासकार हैं, ये के उपन्यास है जिसका नाम है वे दिन वे लोग, तो इसके उपन्यासकार हैं शिवपूजन सहाय, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी आधुनिक युग में किस रस के प्रतिष्ठित कवि थे, तो जो दिनकर जी थे आधुनिक युग में ये वीर रस के प्रतिष्ठित कवि थे। 12 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्रिका का संपादन अयज्ञ ने किया, यहाँ पर अयज्ञ के द्वारा कौन से पत्रिका का संपादन किया गया, तो उनके द्वारा जो विशाल भारत है इसका संपादन किया गया, राइट आंसर डी होगा। चलिए 13 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि किस शास्त्र के जगत में कोई भी विचार पुराना नहीं पड़ता, यहाँ पर प्रश्न है कि किस शास्त्र के जगत में कोई भी विचार पुराना नहीं पड़ता, तो यह कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका दर्शन शास्त्र का, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि दमयंती भट्ट जी की कौन सी विद्या की रचना है, यहाँ पर दमयंती भट्ट जी की कौन सी विद्या की रचना है, तो उनकी रचना है यहाँ पर नाटक है। ठीक, वैद्यंती भट्ट का रचना नाटक है। अगला जो 15 नंबर प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा के विचार के लिए निम्न में से कौन सी बात जुड़ी है, बुनियादी शिक्षा के विचार के लिए कौन सी बात जुड़ी है, तो यह बात जुड़ी है देखिए स्कूल में हाथों से काम करना सिखाना, दूसरा है स्थानीय परिवेश का महत्व, और तीसरा है पाठ्यक्रम को समग्र बनाने का प्रयास, यानी कि उपयुक्त में से सभी जो है बुनियादी शिक्षा का विचार है। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 16 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर पैसेज है, यह अंग्रेजी का आप लोग पढ़कर आंसर इसका दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आपका जो मैथ है इसका आंसर लगा लेते हैं। ठीक, मैं आंसर भी आप लोग ये जो मैथ का है आपको PDF दे दिया जाएगा, तो PDF के साथ इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर जो 31 नंबर है इसका राइट आंसर 54 होगा। ठीक, चलिए 52 नंबर प्रश्न, 32 नंबर जो प्रश्न है
यहाँ से 32 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से जो आपका 32 का राइट आंसर होगा वह 26/3 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका 33, 33 का राइट आंसर क्या होगा, 5:7 हो जाएगा। और 34 जो है तो 34 का यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1785 रुपया। फिर यहाँ से 35 है, 35 का इसमें आपका जो आंकड़ा की आंकड़ों का माध्य तथा माध्यिका के बीच अंतर स्पष्ट करना है, तो यहाँ पर 1.1 हो जाएगा राइट आंसर, डी कर लीजिएगा। और 36 नंबर यहाँ पर देखिए जो डी आई का प्रश्न है, 36 का राइट आंसर क्या होगा, 36 का राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा 158.33%, ठीक लगभग में। अगला जो प्रश्न यहाँ से 37 नंबर है, तो 37 का राइट आंसर 360/23 हो जाएगा। और 37 इसके बाद हम लोग का 38, इसमें टोटल आपको 45 तक जो है इसमें मैथ का प्रश्न है, 15 प्रश्न इसमें आपको मैथ के दिए गए हैं, ठीक। 38 का राइट आंसर हो जाएगा 180 किलोमीटर। फिर यहाँ पर 39 का जो राइट आंसर होगा यह होगा 61। और फिर यहाँ से 40 है, तो 40 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 60,000 रुपया हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 41 है, 41 का राइट आंसर यहाँ पर 1/3.1% यहाँ पर लाभ होगा। और फिर 42 है, 42 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। और 43, ठीक 43 है, तो 43 का राइट आंसर 1805 होगा। फिर इसके बाद आपका यहाँ से 44 है, तो 44 का राइट आंसर 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो 45 है ये मैथ का अंतिम प्रश्न है, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर होगा वह 880 मीटर होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का जो 46 नंबर प्रश्न है, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के लिए निम्नांकित में से किस वर्ष को आधार वर्ष इसी वर्ष बनाया गया है। देखिए इसमें प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष का जो आधार वर्ष है वो इसी वर्ष को बनाया गया है। तो यह जो आधार वर्ष बनाया गया है 2011-12 को बनाया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो 47 नंबर प्रश्न है कि ट्राई सेम कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो ट्राई सेम यह कार्यक्रम है इसमें किसका प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इसमें 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण बेरोजगार को प्रशिक्षण दिया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में एक है क्या है, अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचतों का निम्न स्तर और गैर मौद्रिक कृति उपभोग। तो इसमें कौन सा एक समस्या है जो राष्ट्रीय आय की है, राष्ट्रीय आय की गणना की है, तो वह है गैर मौद्रिकृत उपभोग। यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो आपका ये आय की गणना की समस्या है, प्रॉब्लम है, ठीक। 49 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या कौन सी है, सबसे सही व्याख्या यहाँ पर जो हम लोग का सबसे सही व्याख्या है वह है कि श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, यही यहाँ पर जो व्याख्या सक्षम है, ठीक राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो 50 नंबर प्रश्न है कि रोजगार के अवसरों में कमी को दर्शाती है, रोजगार के अवसरों में कमी को दर्शाती है, क्या दर्शाती है, तो यह दर्शाती है कि निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, यही दर्शाता है कि रोजगार के अवसरों को कम, ठीक। चलिए अगला जो 51 नंबर प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन छांटना है, इसमें हम लोग को असत्य कथन छांटना है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला जो कथन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 फरवरी 2014 को बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने की घोषणा की, यह सही है। दूसरा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक से की गई, तो यह भी आपका सही है, राइट आंसर है। फिर यहाँ से हम लोग का जो तीसरा है यह कह रहा है कि इस योजना में गरीब रेखा के नीचे बीपीएल परिवार को 10 किलोग्राम अनाज प्रति महीने देने की घोषणा की गई, यहाँ पर ये वाला जो तीसरा गलत है, ठीक। बाकी जो चौथा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 6.90 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो ये भी सही है। लेकिन जो तीसरा है ये 10 किलो नहीं बल्कि यहाँ पर 5 किलो होना चाहिए था, यहाँ पर कितना 5 किलोग्राम, राइट आंसर आप लोग
कर लीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 52 नंबर जो प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न है कि मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए वाणिज्य दूतावास को शहर में खोलने की मंजूरी प्रदान की है। कौन से शहर में खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो एक अड्डू शहर है जो कि मालदीव में पड़ता है, यहीं पर खोलने का जो है दूतावास किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो 53 नंबर हम लोग का प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए यहाँ पर यह कह रहा है सुमिलित करने का। ठीक, यहाँ पर 53 नंबर जो प्रश्न है, सुमिलित एक तरफ सूची, एक तरफ सूची टू है, एक तरफ झील दिया गया है और दूसरे तरफ वहाँ पर राज्य दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सुमिलित करेंगे? देखिए यहाँ पर जो पुलिकट झील है कहाँ पर है? पुलिकट जो झील है ये आपको तमिलनाडु में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। फिर यहाँ पर बुल्लर झील कहाँ है? तो बुल्लर जो झील है हम लोग का ये राज्य जम्मू कश्मीर में है, और जो संभार झील है वो राजस्थान में। यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन ए वाला कूट भाषा में है वो सही होगा। ठीक, फिर से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जो पुलिकट झील है कहाँ पर है? पुलिकट तमिलनाडु में, चिल्का झील उड़ीसा में, से बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, और संभार झील राजस्थान में। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 54 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है? तो इसमें पृथ्वी की संरचना में जो आयरन यानी कि लोहे का मात्रा होता है वह आपको 32 से 35% लगभग में होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात षड्यंत्र कब स्थापित किया गया? तो ब्रिटिश भारत का जो पहला लौह एवं इस्पात षड्यंत्र जो स्थापित किया गया यह 1907 में जो है जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर भी आपको सुमिलित करना है। एक तरफ आपको धातु दिया गया है और उसके उत्पादक राज्य दिया गया है। ठीक, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे? इसमें देखिए मैग्नीज का जो उत्पादक होगा सबसे उड़ीसा में हो जाएगा, तांबा का जो होगा वह मध्य प्रदेश में होगा, अभ्रक का जो होगा कहाँ पर? झारखंड में, और चूना पत्थर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो इसमें भी कूट भाषा में आपका ए वाला जो है राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 57 नंबर जो प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो वह पाक जल संधि जो है कि भारत और श्रीलंका इन दोनों से अलग होता है। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? वस्त्र निर्माण केंद्र कौन सा है? तो इसमें आपका जो महाराष्ट्र है वो निम्नलिखित में से प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। 59 नंबर जो प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है तो वह NH44 है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 60 नंबर है कि काजीरंगा किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो है ये आपको वो असम में। राइट आंसर असम कर लीजिएगा, काजीरंगा असम। अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 61 नंबर है कि इनमें से कौन कानून के स्रोत के रूप में उल्लिखित नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर है कि कौन से जो है कानून के स्रोत के रूप में उल्लिखित नहीं किया जा सकता। पहला है कि ब्रिटिश कानून, दूसरा है न्यायालय निर्णय, तो और भी यहाँ पर असम हम लोग का है। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश कानून और न्यायालय निर्णय है, फिर यहाँ से हम लोग का जो है तीसरा में है वह है रीति रिवाज और प्रथाएं, और चौथा में यूरोपीय संघ का निर्णय। तो यहाँ हम लोग का राइट आंसर होगा कि रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो हैदराबाद रियासत का जो भारत में विलय हुआ ये 1948 में हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में जो है यहाँ पर एकहरी यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकहरी मतलब एकल होता है, तो एकल नागरिकता का यहाँ पर भारत में प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो सदन है वह लोकसभा है। राइट आंसर बी होगा।
अगला प्रश्न है कि क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है, तो इसकी अध्यक्षता कर सकता है या फिर नहीं, तो यहाँ पर नहीं कर सकता है, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला 66 नंबर जो प्रश्न है कि समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता उदारवादी अभिप्राय के साथ यहाँ पर सुसंगत नहीं है, यहाँ पर उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा आर्थिक समानता जो है, ये आपको समानता उदारवादी अभिप्राय के साथ सुमिलित नहीं है, ठीक, यानी कि सुमिलित यानी कि सही नहीं है, सुसंगत मतलब सही नहीं है, ठीक। अगला 67 नंबर जो प्रश्न है कि विधान परिषद का सभापति नियुक्त किया जाता है, तो विधान परिषद के जो सभापति नियुक्त किया जाता है ये विधान परिषदों के सदस्यों के द्वारा अपने बीच के निर्वाचन होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि बिरसा मुंडा एंड हिज पुस्तक के लेखक, एक पुस्तक है जिसका नाम है बिरसा मुंडा एंड हिज, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है K.M. सिंह, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के समय में भारत में कितने प्रांत थे, यानी कि औरंगजेब के समय भारत में कितने जिले थे, तो उस समय जिलों की जो संख्या थी वह 30 थी, राइट आंसर यहाँ पर प्रांत मतलब जिला नहीं होता है, प्रांत मतलब राज की बात हो रही है, तो औरंगजेब के समय भारत में कितने प्रांत यानी कि राज थे, तो 30 राज्य थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कब लागू किया गया था, तो यह लागू किया गया था 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस 1878 में लागू किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि भारत के किस स्तूप पर एक बंदर राजा की कहानी अंकित है, तो देखिए यहाँ पर जो है जो भरहुत स्तूप पर, राइट आंसर बी होगा कि जो भरहुत स्तूप है इस पर बंदर राजा की एक कहानी अंकित है, राइट आंसर यहाँ पर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ से 72 नंबर जो प्रश्न है, कि मथुरा काला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो मथुरा काला शैली का जो विकास है ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से प्राप्त किया था, तो पुर्तगालियों से प्राप्त बम्बई शहर को किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी, यहाँ पर पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया हुआ था, तो वह पीटर मुंडी जो था यह है राजा मान सिंह के समय में बिहार आया हुआ था। अगला प्रश्न है कि मराठों की वह महिला सरदार कौन बनी जिसने राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी के बाद भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा, वह सरदार कौन बनी, तो वह सरदार बनी ताराबाई, राइट आंसर सी होगा, ताराबाई। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो उत्तक शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम ग्रेयू ने किया था, यहाँ पर राइट आंसर किसने किया था, ग्रेयू ने। अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ पर 67 नंबर है कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ, यदि पदार्थ का जो चुंबकीय संवेग शून्य है तो वह पदार्थ कैसा हैगा, वह पदार्थ जो है प्रति चुंबकीय है, राइट आंसर डी होगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि संचालित वाहनों के टायर निर्मित होते हैं, तो संचालित वाहनों के टायर ब्यूना एस से निर्मित होते हैं, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है यह उपचयन होती है, राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि विदलन के संदर्भ में सही कथन है, देखिए एक विदलन है, विदलन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो इसमें कथन सही है कि कोशिका का आकार घटता है, विदलन के जो संदर्भ में क्या होता है, कोशिका का आकार जो होता है वो घटता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वृत्तीय पथ पर कण के नियत कोण वेग के लिए पथ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो रेखीय वेग होगा, तो रेखीय वेग इसमें जो होगा वह दोगुना हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस में धातु उपस्थित नहीं है। धातु उपस्थित नहीं है तो देखिए यहाँ पर विटामिन सी में कोई धातु उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म होते हैं, तो जो जीवाश्म होते हैं वो आपको विलुप्त जीवों के अवशेष होते हैं। जीवाश्म जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया इत्यादि, ये सभी जीवाश्म में आते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 84 नंबर प्रश्न है कि दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है, तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है कि समिष्टि घनत्व को आँका जाता है, तो समिष्टि घनत्व को किससे आँका जाता है, यहाँ पर संख्या में और जैव भार इन दोनों में जो है समिष्टि घनत्व को आँका जाता है, यानी कि मापा जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न कि जीन अभियंत्रिकी से प्राप्त होता है, तो जीन अभियंत्रिकी से सुनहरा चावल जो है गोल्डन राइस प्राप्त होता है, राइस जीनी है। ठीक है, यहाँ पर जीनी अभियंत्रिकी से प्राप्त होता है। अगला जो 87 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था, तो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 था। अगला प्रश्न है कि एड्स होते हैं, तो एड्स जो होता है यहाँ पर है ये विषाणु से होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ल्यूकासा अभिकर्मक है, यहाँ पर ल्यूकासा अभिकर्मक कौन सा है, तो देखिए जो पहला है कि सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 जो है यह आपका ल्यूकासा अकर्मक है, राइट आंसर अभिकर्मक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक किसे कहते हैं, तो जो जंगल की आग को प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं। ठीक, अगला 91 नंबर प्रश्न है कि जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह डॉट से चल रहा है, तो वह जो है पराध्वनिक गति से चल रहा होता है, उसे क्या कहते हैं कि वह जो है पराध्वनिक गति से चल रहा है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यहाँ पर इंटू कोष्ट में है करें कि Ni इंटू Cn इंटू 4 और उसके होल स्क्वायर में 2 है, तो यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो यहाँ पर जो Ni यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसकी अवस्था हो जाएगा 2, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि किसी सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं, किस जो है सरीसृप के जो है 4 हृदय कक्ष होते हैं, कछुआ किंग कोबरा गिरगिट या फिर मगरमच्छ, तो राइट आंसर होगा मगरमच्छ के जो होते हैं वो 4 भेष्म होते हैं, हृदय कक्ष होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि स्थिर ताप और दाब पर एक रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एथैल्पी कहते हैं, एथैल्पी, राइट आंसर जो डी होगा कि स्थिर ताप और दाब पर एक रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को एथैल्पी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 95 नंबर प्रश्न है कि माइक्रोवेव ओपन जल से युक्त भोजन को सुग्रहित से क्या गर्म कर देता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि माइक्रोवेव ओवन जो है जल से युक्त भोजन को सुग्रहिता से क्यों गर्म कर देता है, तो इसका गर्म करने का कारण है कि सूक्ष्म तरंग विकिरण के कारण ये जो है सुग्रहिता यानी कि आसानी से गर्म कर देता है। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ से 96 नंबर है कि कार्बनिक यौगिक साधारणतः जल में अविलय होते हैं परंतु एल्कोहल जल में विलय होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि एल्कोहल द्वारा हाइड्रोजन बंध का निर्माण। ठीक, इसका कारण है कि एल्कोहल द्वारा हाइड्रोजन बंध का निर्माण, इसलिए ये जो एल्कोहल जल में विलय हो जाता है और ये जो कार्बनिक यौगिक हैं ये विलय नहीं होते हैं। अगला हम लोग का यहाँ से 97 नंबर जो प्रश्न है कि स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाई जाती है, राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अल्फा बीटा और गामा किरणों की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम के किस क्रम में होता है। देखिए यहाँ पर जिसकी क्षमता के अनुसार जैसे अल्फा बीटा और गामा है तो इसकी वेधन जो है अवरोही क्रम में आपको बताना है, अवरोही, तो देखिए इसमें आपका जो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले जो होगा हम लोग का गामा होगा, उसके बाद बीटा होगा, उसके बाद अल्फा होना होगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। ठीक, चलिए
अगला जो यहाँ से हम लोग का 99 नंबर प्रश्न है कि किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं। ठीक, कौन से कोशिकांग है जिसके स्वयं का डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, तो वह जो है सूत्रकर्णिका, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसके डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं स्वयं के। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दंत चिकित्सा और सर्जरी में उपयोगी है। ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दंत चिकित्सा और सर्जरी में उपयोगी होता है। ठीक, तो ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वह बिहार उत्पाद का प्रैक्टिस सेट 4 था, और यह जो हम लोग का 5 है आपको जल्द ही प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।